नमस्कार वर्तमान अपडेट खबर सर्गस अपडेट 11 एएम को स्वागत करुछि मु शक्ति बुलेटिन को आखु को नबा किंतु प्रथम देखनबा कोन रहिछि वर्तमान रो हेडलाइंस। ट्वीट रे धर्मेंद्र को प्रणव को टारगेट प्रसंग जवाब रखिले लेखाश्री कहले मुख्यमंत्री को चारि कांत रे बांधि दुष्कर्म हत्या तस्करी चालीछि बीजेपी भली महिला को क्षमता रे रखंतु महिला सशक्तिकरण कथा कहिबे। आय अबहिर्भूत संपत्ति ढोल अभियोग बरगढ़ तालापाली पंचायत निर्वाही अधिकारी पांडव नंदन को घरे विजिलेंस चढ़ऊ तालापाली पंचायत ऑफिस और कलंगापाली घरे एक कालीन रेड। बालेश्वर अर्गस प्रतिनिधि को माड़ मामला केबे हेबो कार्यानुष्ठान तीन दिन पर भी एक्शन नेउनी पुलिस घटनास्थल में पहुंचले केन्द्र मंत्री प्रताप षडंगी। माओवादी पक्षर ओडिशा समेत पूर्व छत्तीसगढ़ बंद डाकरा नक्सल उपरे ओडिशा पुलिस आक्रमण प्रतिवाद रायगड़ा कंधमाल सीमांत में गछ काटी रास्ता अवरोध। दिल्ली में बिना ड्राइवर रे चलो मेट्रो मेजेंटा लाइन रो शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री। जनकपुरी वेस्ट स्टेशन रु बोटानिकल गार्डन पर्यंत गड़ब ट्रेन एवं अधिक सुरक्षित हो जा। वर्षर नाबालिका को अपहरण उद्यम दुई घंटा पर संज्ञाहीन अवस्था झील उद्धार जाजपुर मुकुंदपुर गांव में उत्तेजना अपहरणकारी को काबू करी पुलिस जिमा दे गांव लोक। जगा दर्शन करुछंती पुरीवासी तृतीय दिन में कोविड कटकणा रे दर्शन व्यवस्था सेपटे आज खोलिला भद्रक आखंडलमणि मंदिर प्रथम दुई दिन सेवायत परिवार को दर्शन सुजोग। स्थित दुई रु तीन डिग्री कम पारद तीन दिन जाए कुहुड़ी पाई अलर्ट 10 डिग्री तले 11 जिला सबुठ ठंडा फुलवाणी। आरंभ करिबा ट्वीट रे धर्मेंद्र प्रधान को प्रणव प्रकाश दास टारगेट प्रसंग प्रतिक्रिया रखिले बीजेपी साधारण संपादिका लेखाश्री सामंत सिंघार कहते मुख्यमंत्री को चारि कांथ भितर बांधि ओडिशार माँ भौणी और शिशु को दुष्कर्म हत्या और तस्करी भली राकेट चलाई आपणों दलर माँ भौणी को सांसद विधानसभा भी मुहरे तुंडी बांधि रखिंट बीजेपी भली महिला शासन क्षमता केन्द्र में रखत तापर महिला सशक्तिकरण कथा कहे। गतकाली बीजेडी सांगठनिक संपादक प्रणव प्रकाश दास केन्द्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान को ट्वीट जरिया रे कहिथिले आम मुख्यमंत्री चाहती आमर माँ भौणी माने संसद विधानसभा रे बसी देशर भाग्य निर्धारण करंतु आपण कौन चाहती महिला माने घर चारिकांत भितर रही केवल रोसई करंतु आम माँ भौणी माने आज भी चमत्कार रोसई करंती सुजोग मिलिले सेमाने देश मध्ये चलाई पारिबे बोली ट्वीट करी कहिथिले प्रणव जहा उपरे जवाब रखिछंती लेखाश्री सामंत सिंघार। देश में प्रथम थर पर चलाचल कर चालक विहीन मेट्रो एवं यार उद्घाटन आज करुछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंतु देखिबा तार सीधा चित्र। आधुनिक शहरी परिवहन के एक नए युग की आधारशिला रखी थी। आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजनरी लीडरशिप में जन जन की आकांक्षाओं को पूरा करने और नए और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के पथ पर दृढ़ संकल्प के साथ अग्रसर है। पूरे देश में जिस स्पीड और स्केल पर मेट्रो नेटवर्क पर काम हुआ वही सरकार की पहचान और प्रतिबद्धता दोनों को दर्शाता है। वर्ष 2014 में जहां देश भर में मात्र 248 किलोमीटर मेट्रो का ही परिचालन किया जा रहा था वहीं आज देश के 18 शहरों में 702 किलोमीटर का विशाल नेटवर्क खड़ा हो चुका है जिसका लाभ प्रतिदिन लगभग 85 लाख से अधिक यात्रियों को मिल रहा है। यही नहीं आज 27 शहरों में 1016 किलोमीटर नेटवर्क का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। इन 6.5 सालों में देश में आधुनिक तकनीकी के विकास व स्वावलंबन मानव संसाधनों के कौशल विकास तथा मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग को नई दिशा मिली है। अब मेट्रो के कोच देश में डिजाइन व मैन्युफैक्चर ही नहीं हो रहे बल्कि निर्यात भी हो रहे हैं। इन प्रयासों से मेट्रो कोच के निर्माण की लागत 12 करोड़ से घटकर 8 करोड़ रह गई है। सिग्नलिंग रोलिंग स्टॉक डिजाइन एनसीएमसी कार्ड
प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर जैसे क्षेत्रों में भारत तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। आई मेट्रोज नॉलेज शेयरिंग के द्वारा इफिशियंसी बढ़ाने के प्रयासों को साकार कर रहा है। मेट्रो सेक्टर कंजेशन कम करने, प्रदूषण पर लगाम लगाने, सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग बढ़ाने, रोजगार के अवसर और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा के प्रयोग द्वारा कार्बन फुटप्रिंट को कम कर शहरों को नई पहचान दे रहा है। शहरी विकास को दिशा देने, लागत कम करने, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने, फंडिंग के नए स्रोत विकसित करने, अधिक शहरों और अधिक नागरिकों तक मेट्रो का लाभ पहुंचाने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में परिवर्तन कर नई मेट्रो पॉलिसी, टेक्नोलॉजी का स्टैंडर्डाइजेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एकरूपता तथा कॉस्ट बेंचमार्किंग जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और नए मेट्रो बिल को आकार दिया जा रहा है। घनी आबादी वाले बहुनगरीय क्षेत्रों को जोड़ने हेतु रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, कम आबादी वाले नगरों हेतु कम कीमत के मेट्रो लाइट, मेट्रो नियो तथा वाटर मेट्रो जैसे नए विकल्प सेक्टर को नए आयाम दे रहे हैं। राष्ट्र की स्वाधीनता के 75वें वर्ष में 1 करोड़ से अधिक यात्री प्रतिदिन 1000 किलोमीटर से अधिक मेट्रो नेटवर्क का लाभ उठा रहे होंगे। समग्र सतत तथा संतुलित विकास को बढ़ावा देते हुए मेट्रो सेक्टर नए अवसरों व नई संभावनाओं के द्वार खोलकर नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहा है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से देश भर की मेट्रो ने पिछले 6.5 सालों में अभूतपूर्व विकास किया है। दिल्ली मेट्रो में ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण कदम है। आइए ड्राइवरलेस मेट्रो की विशेषताओं पर एक शॉर्ट फिल्म देखते हैं। आज दिल्ली मेट्रो दुनिया के उस 7% प्रतिष्ठित मेट्रो नेटवर्क की श्रेणी में शामिल होने जा रही है जहां बगैर ड्राइवर के ट्रेनें संचालित हो रही हैं। अब ट्रेन ड्राइवर को जल्द सुबह, देर रात और ऑफ पीक आवर्स में ट्रेनों को डिपो से रोजाना निकालने, ले जाने एवं टेस्टिंग करने वाली एक्टिविटीज से फ्रीडम मिल जाएगी, क्योंकि फुल्ली ऑटोमेटेड ट्रेनें ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर के सुपरविजन में स्वयं ही सभी सिस्टमों को मात्र 10 मिनट में चेक कर लेंगी और यात्री सेवाओं के लिए रवाना हो जाएंगी। तकनीकी रूप से एडवांस्ड इन ट्रेनों में अब ह्यूमन एरर की गुंजाइश भी नहीं रहेगी। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस ये ट्रेनें पहले से ज्यादा विश्वसनीय, नियमित, सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव कराएंगी और जून 2021 तक 57 किलोमीटर लंबी पिंक लाइन पर भी दौड़ने लगेंगी। आज इन फुल्ली ऑटोमेटेड चालक रहित ट्रेन सेवाओं का दिल्ली मेट्रो की 37 किलोमीटर लंबी मेजेंटा लाइन पर माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा होने जा रहा है शुभारंभ। वो ऐतिहासिक घड़ी जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं पूरे आदर पूर्वक अनुरोध करूंगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फ्लैग का अनावरण करते हुए देश की प्रथम चालक रहित मेट्रो ट्रेन सेवा का शुभारंभ करें। हरी झंडी दिखाकर दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन के जसोला बिहार शाहीन बाग मेट्रो स्टेशन पर खड़ी प्रथम चालक रहित ट्रेन को रवाना करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आइए अब हम नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के बारे में एक लघु फिल्म का अवलोकन करते हैं जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वन नेशन वन कार्ड विजन के तहत पिछले साल अहमदाबाद में अनावरण किया था और जिसके जरिए अब दिल्ली मेट्रो में भी एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर यात्रा करना आज से आरंभ हो जाएगा।
आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत पहली बार पूर्ण रूप से देश में ही विकसित और टेस्टेड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर आज से शुभारंभ होने जा रहा है। ये कार्ड देशवासियों को मेट्रो में यात्रा, बैंकिंग, शॉपिंग इत्यादि के रूप में एक कंप्लीट फ्रीडम की सौगात देने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन वन नेशन वन कार्ड को साकार करते हुए वर्तमान में 23 बैंकों द्वारा 1.1 करोड़ से भी अधिक लोगों को जारी ये कार्ड देश के किसी भी कोने से दिल्ली आने पर न केवल इस लाइन पर यात्रा के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा अपितु 2022 तक दिल्ली मेट्रो के लगभग 400 किलोमीटर नेटवर्क की बाकी सभी लाइनों पर भी यात्रा के लिए प्रयोग में लाया जा सकेगा। आज देश की सर्वप्रथम NCMC आधारित मेट्रो सेवा का दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा होने जा रहा है शुभारंभ। एक बार फिर से मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे रिमोट से NCMC प्लैग का अनावरण कर देश में पहली बार किसी भी मेट्रो सिस्टम में लागू होने जा रहे इस NCMC आधारित वन नेशन वन कार्ड सेवा का। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय। आत्मनिर्भर भारत के रूप में एक नए राष्ट्र का निर्माण करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, अब हम बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करेंगे कि अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री हरदीप सिंह पुरी जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, DMRC के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री मंगू सिंह जी, देश में चल रही मेट्रो परियोजनाओं के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे आज से लगभग 3 साल पहले मैजेंटा लाइन के उद्घाटन का सौभाग्य मिला था। आज फिर इसी रूट पर देश की पहली पूरी तरह से ऑटोमेटेड मेट्रो, जिसको हम बोलचाल की भाषा में ड्राइवरलेस मेट्रो भी कहते हैं, इसका उद्घाटन करने का अवसर मिला। यह दिखाता है कि भारत कितनी तेजी से स्मार्ट सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इससे भी दिल्ली मेट्रो जुड़ रही है। पिछले साल अहमदाबाद से इसकी शुरुआत हुई थी, आज इसका विस्तार दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में हो रहा है। आज का यह आयोजन अर्बन डेवलपमेंट को अर्बन रेडी और फ्यूचर रेडी करने का प्रयास है। साथियों, भविष्य की जरूरतों के लिए देश को आज तैयार करना, आज काम करना, यह गवर्नेंस का अहम दायित्व है। लेकिन कुछ दशक पहले से शहरीकरण, अर्बनाइजेशन का असर और अर्बनाइजेशन का भविष्य दोनों ही बिल्कुल साफ था। उस समय एक अलग ही रवैया देश ने देखा। भविष्य की जरूरतों को लेकर उतना ध्यान नहीं था, आधे अधूरे मन से काम होता था, भ्रम की स्थिति बनी रहती थी। उस समय तेजी से शहरीकरण हो रहा है, लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट से निपटने के लिए हमारे शहरों को उतनी तेजी से तैयार नहीं किया गया। परिणाम यह हुआ कि देश के बहुत से हिस्सों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग और पूर्ति में बहुत ज्यादा अंतर आ गया। साथियों, इस सोच से अलग
आधुनिक सोच ये कहती है शहरीकरण को चुनौती न मानकर एक अवसर की तरह इस्तेमाल किया जाए, एक ऐसा अवसर जिसमें हम देश में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, एक ऐसा अवसर जिसमें हम ईज ऑफ लिविंग बढ़ा सकते हैं। सोच का ये अंतर शहरीकरण के हर आयाम में दिखता है। देश में मेट्रो रेल का निर्माण भी इसका एक उदाहरण है। दिल्ली में ही मेट्रो की चर्चा बरसों तक चली, लेकिन पहली मेट्रो चली अटल जी के प्रयासों से। यहां तो मेट्रो सर्विस के इतने एक्सपर्ट्स इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, वो भी इसे भलीभांति जानते हैं कि मेट्रो निर्माण की क्या स्थिति थी। साथियों, साल 2014 में जब हमारी सरकार बनी, उस समय सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो रेल थी। आज 18 शहरों में मेट्रो रेल की सेवा है। वर्ष 2025 तक हम इसे 25 से ज्यादा शहरों तक विस्तार देने वाले हैं। साल 2014 में देश में सिर्फ 248 किलोमीटर 248 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशन थी। आज ये करीब 3 गुनी यानी 700 किलोमीटर से ज्यादा है। वर्ष 2025 तक हम इसका विस्तार 1700 किलोमीटर 1700 किलोमीटर तक करने का प्रयास कर रहे हैं। साल 2014 में मेट्रो पर सवारी करने वालों की संख्या 17 लाख प्रतिदिन थी। अब यह संख्या 5 गुना बढ़ गई है। अब 85 लाख लोग हर दिन मेट्रो से सवारी करते हैं। याद रखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये करोड़ों भारतीयों के जीवन में आ रही ईज ऑफ लिविंग के प्रमाण है। ये सिर्फ ईंट पत्थर कंक्रीट और लोहे से बने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि ये देश के नागरिकों, देश के मिडिल क्लास की आकांक्षा पूरा होने के साक्ष्य हैं। साथियों, आखिर ये परिवर्तन, ये बदलाव आया कैसे? ब्यूरोक्रेसी वही है, लोग वही हैं, फिर कैसे इतना तेज काम हुआ? इसकी वजह यही रही कि हमने शहरीकरण को चुनौती नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखा। हमारे देश में पहले कभी मेट्रो को लेकर कोई नीति ही नहीं थी। कोई नेता कहीं वायदा कराता था, कोई सरकार किसी को संतुष्ट करने के लिए मेट्रो का ऐलान कर देती थी। हमारी सरकार ने इस एडहोकिज्म से बाहर आकर के मेट्रो के संबंध में पॉलिसी भी बनाई और उसे चौतरफा रणनीति के साथ लागू भी किया। हमने जोर दिया स्थानीय मांग के हिसाब से काम करने पर, हमने जोर दिया स्थानीय मानकों को बढ़ावा देने पर, हमने जोर दिया मेक इन इंडिया के ज्यादा से ज्यादा विस्तार पर, हमने जोर दिया आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग पर। साथियों, आप में से अधिकांश लोग ये जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों की अलग अलग आवश्यकताएं, अलग अलग आकांक्षाएं और अलग अलग चुनौतियां होती हैं। अगर हम एक ही फिक्स मॉडल बनाकर मेट्रो रेल का संचालन करें तो तेजी से विस्तार संभव ही नहीं था। हमने ध्यान दिया कि मेट्रो का विस्तार ट्रांसपोर्ट के आधुनिक तौर तरीकों का इस्तेमाल, शहर के लोगों की जरूरतों और वहां की प्रोफेशनल लाइफस्टाइल के हिसाब से ही होना चाहिए। यही वजह है कि अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह ही
अलग अलग प्रकार की मेट्रो रेल पर काम हो रहा है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। आरआरटीएस यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, दिल्ली मेरठ आरआरटीएस का शानदार मॉडल, दिल्ली और मेरठ की दूरी को घटाकर एक घंटे से भी कम कर देगा। मेट्रो लाइट उन शहरों में जहां यात्री संख्या कम है वहां मेट्रो लाइट वर्जन पर काम हो रहा है। यह सामान्य मेट्रो की 40% लागत से ही तैयार हो जाती है। मेट्रो नियो जिन शहरों में सवारियां और भी कम हैं वहां पर मेट्रो नियो पर काम हो रहा है। यह सामान्य मेट्रो की 25% लागत से ही तैयार हो जाती है। इसी तरह है वाटर मेट्रो, ये भी आउट ऑफ द बॉक्स सोच का उदाहरण है। जिन शहरों में बड़ी वाटर बॉडीज हैं वहां के लिए अब वाटर मेट्रो पर काम किया जा रहा है। इससे शहरों को बेहतर कनेक्टिविटी के साथ ही उनके पास मौजूद द्वीपों के लोगों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी का लाभ मिल सकेगा। कोची में यह काम तेजी से चल रहा है। और साथियों, हमें यह भी ध्यान रखना है कि मेट्रो आज सिर्फ सुविधा संपन्न पब्लिक ट्रांसपोर्ट का माध्यम भर नहीं है, ये प्रदूषण कम करने का भी बहुत बड़ा जरिया है। मेट्रो नेटवर्क के कारण सड़क से हजारों वाहन कम हुए हैं जो प्रदूषण का और जाम का कारण बनते थे। साथियों, मेट्रो सर्विसेज के विस्तार के लिए मेक इन इंडिया भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मेक इन इंडिया से लागत कम होती है, विदेशी मुद्रा बचती है और देश में ही लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलता है। रोलिंग स्टॉक के मानकीकरण से जहां भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को फायदा हुआ है, वहीं हर कोच की लागत अब 12 करोड़ से घटकर 8 करोड़ पहुंच गई है। साथियों, आज 4 बड़ी कंपनियां देश में ही मेट्रो कोच का निर्माण कर रही हैं। दर्जनों कंपनियां मेट्रो कंपोनेंट्स के निर्माण में जुटी हैं। इससे मेक इन इंडिया के साथ ही आत्मनिर्भर भारत के अभियान को मदद मिल रही है। साथियों, आधुनिक से आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल ये समय की मांग है। अभी मुझे बिना ड्राइवर के चलने वाली मेट्रो रेल का उद्घाटन करने का अवसर मिला है। आज इस उपलब्धि के साथ ही हमारा देश दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां इस तरह की सुविधा है। हम ऐसे ब्रेकिंग सिस्टम के भी प्रयोग कर रहे हैं जिनमें ब्रेक लगाने पर 50% ऊर्जा वापस ग्रिड में चली जाती है। आज मेट्रो रेल में 130 मेगावाट सोलर पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे बढ़कर 600 मेगावाट तक ले जाने का इरादा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका उपयोग करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेस प्लेटफॉर्म और स्क्रीनिंग दरवाजे, इन आधुनिक तकनीकों पर भी काम तेजी से चल रहा है। साथियों, आधुनिकीकरण के लिए एक ही तरह के मानक और सुविधाएं उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय स्तर पर कॉमन मोबिलिटी कार्ड इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। कॉमन मोबिलिटी कार्ड का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। आप जहां कहीं से भी यात्रा करें,
आप जिस भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करें, ये एक कार्ड आपको इंटीग्रेटेड एक्सेस देगा, यानी एक कार्ड ही हर जगह के लिए पर्याप्त है, ये हर जगह चलेगा। साथियों, मेट्रो के सफर करने वाले जानते हैं किस तरह अक्सर सिर्फ एक टोकन लेने के लिए कितनी कितनी देर लाइन में लगे रहना होता है, दफ्तर या कॉलेज पहुंचने में देर हो रही है और ऊपर से टिकट की परेशानी। मेट्रो से उतर भी गए तो बस का टिकट। आज जब हर किसी के पास समय की कमी है तो रास्तों में समय नहीं गंवाया जा सकता, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऐसी दिक्कतें अब देश के लोगों के सामने रुकावट न बने, हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। साथियों, देश के सामर्थ्य और संसाधनों का देश के विकास में सही इस्तेमाल हो, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। आज तमाम व्यवस्थाओं को एकीकृत करके देश की ताकत को बढ़ाया जा रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत को मजबूत किया जा रहा है। वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड की तरह ही बीते वर्षों में हमारी सरकार ने देश की व्यवस्थाओं का एकीकरण करने के लिए अनेक काम किए हैं। वन नेशन वन फास्टैग ने देश भर के हाईवे पर ट्रैवल सीमलेस हुआ, अनावश्यक रोक टोक रुकी है, जाम से मुक्ति मिली है, देश का समय और देरी से होने वाला नुकसान कम हुआ है। वन नेशन वन टैक्स यानी जीएसटी ने देश भर में टैक्स का जाम समाप्त हुआ है, डायरेक्ट टैक्स से जुड़ी व्यवस्था एक जैसी हुई है। वन नेशन वन पावर ग्रिड, इससे देश के हर हिस्से में पर्याप्त और निरंतर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है, बिजली का नुकसान कम हुआ है। वन नेशन वन गैस ग्रिड, इससे समंदर से दूर देश के उन हिस्सों को सीमलेस गैस कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो रही है जहां गैस आधारित जीवन और अर्थव्यवस्था पहले सपना हुआ करता था। वन नेशन वन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम यानी आयुष्मान भारत से देश के करोड़ों लोग एक राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कहीं भी इसका लाभ ले रहे हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड, इससे भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाले नागरिकों को नया राशन कार्ड बनाने के चक्करों से मुक्ति मिली है। एक राशन कार्ड से पूरे देश में कहीं भी सस्ते राशन की सुविधा संभव हो पाए हैं। इसी तरह नए कृषि सुधारों और ईनाम जैसी व्यवस्थाओं से वन नेशन वन एग्रीकल्चर मार्केट की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। साथियों, देश का हर छोटा बड़ा शहर 21वीं सदी के भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा सेंटर होने वाला है। हमारी दिल्ली तो देश की राजधानी भी है। आज जब 21वीं सदी का भारत दुनिया में नई पहचान बना रहा है तो हमारी राजधानी में वो भव्यता रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। इतना पुराना शहर होने की वजह से इसमें चुनौतियां जरूर है, लेकिन इन चुनौतियों के साथ ही हमें इसको आधुनिकता की नई पहचान भी देनी है। इसलिए आज दिल्ली को आधुनिक स्वरूप देने के लिए अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए सरकार ने इनकी खरीद पर टैक्स में भी छूट दी है। दिल्ली की सैकड़ों कॉलोनियों का नियमितकरण हो या फिर झुग्गियों में रहने वाले परिवारों को बेहतर आवास देने का प्रयास, दिल्ली की पुरानी सरकारी इमारतों को आज की जरूरत के अनुसार एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाया जा रहा है,
जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आधुनिक टेक्नोलॉजी आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर से बदला जा रहा है। साथियों, दिल्ली में पुराने टूरिस्ट डेस्टिनेशन के अलावा 21वीं सदी के नए आकर्षण भी हो, इसके लिए काम जारी है। दिल्ली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल एग्जीबिशन, इंटरनेशनल बिजनेस टूरिज्म इसका अहम सेंटर होने वाला है। इसके लिए द्वारका में देश का सबसे बड़ा सेंटर बन रहा है। इसी तरह एक और जहां नई संसद भवन के निर्माण का काम शुरू हुआ है, वहीं एक बहुत बड़े भारत वंदना पार्क को भी तैयार किया जा रहा है। ऐसे हर काम से दिल्ली वालों के लिए हजारों रोजगार भी बन रहे हैं और शहर की तस्वीर भी बदल रही है। दिल्ली 130 करोड़ से अधिक आबादी की दुनिया की बड़ी आर्थिक और सामरिक ताकत की राजधानी है। उसी भव्यता के दर्शन यहां होने चाहिए। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर काम करते हुए दिल्ली के नागरिकों का जीवन और बेहतर बनाएंगे, दिल्ली को और आधुनिक बनाएंगे। एक बार फिर नई सुविधाओं के लिए मैं देश को भी और दिल्ली वासियों के भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद।